हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जिमीकंद की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे सूरन कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे ओल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस सूरन की सब्जी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बना के दिखाने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सूरन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम सूरन को बॉयल करेंगे। तो यहाँ पे हमने 600 ग्राम सूरन लिया है, जिसे हमने अच्छे से धो के उसका स्किन साफ करके पानी सुखा लिया है। अब हम इसके टुकड़े कर लेंगे। तो एक नाइफ की मदद से हम इसके टुकड़े कर लेंगे। ध्यान रहे, ये काटने के बाद हाथ में थोड़ा सा खुजलाहट होता है, तो आप इसे सावधानी से काटें और फटाफट काट के इसे प्रेशर कुकर में डाल दें। आप देख सकते हैं, हमने सूरन को छोटा छोटा यानी कि मीडियम पीसेस में कट कर लिया है। आप इससे भी छोटा कर सकते हैं, पर ये हाथ में कुछ भी करता है, इसके लिए हमने मीडियम पीस में रखा है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें सभी पीसेस डाल देंगे सूरन का। साथ में हम डालेंगे पानी। तो पानी इतना होना चाहिए कि सूरन अच्छे से अपना उबल जाए। आप देख सकते हैं, आधा से ज्यादा सूरन अपना डूब चुका है, तो हमें इतना ही पानी लेना है और इसे हमें 6 से 8 व्हिसिल तक बॉयल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, हमने सूरन को कुकर में उबाल लिया है। तो आलू उबालने में हम 3 से 4 सीटी लगाते हैं, पर ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो हम इसे 6 से 8 सीटी तक उबाल लेते हैं। अब हम इसके मन पसंद शेप में काटेंगे। तो आपको जितना बड़ा बड़ा रखना है, उतना बड़ा बड़ा शेप देके सूरन का पीसेस कर लीजिए। तो मैं ऐसे शेप में इसे काट रही हूँ। सभी सूरन को हम ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, पनीर के उके जैसे। हमने सभी सूरन को क्यूब्स में काट लिया है। अब चलिए हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने एक छोटा वाला मिक्सर जार ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच जीरा। सभी को हम मिक्सर जार में डाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा हम अदरक का टुकड़ा डाल लेंगे, 10 से 15 कली हम लहसुन का ले लेंगे, 1 छोटा सा प्याज को हम ऐसे 4 हिस्से में काट के डाल लेंगे और सभी का हम एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने मसाला को एकदम बारीक पीस लिया है। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पे हम राई का तेल यूज कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत पहले भी बताया है, राई की तेल में बनी हुई मसालेदार सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है, तो हम राई का तेल यूज करते हैं। आपको जो तेल पसंद हो उसमें बनाइए। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, यानी कि इसमें से स्मोक की फ्लेवर आ जाए तब तक हमें गर्म करना है। और तेल को हम कढ़ाई में फैला लेंगे। इससे क्या होता है, हम सूरन फ्राई करेंगे तो सूरन चिपकेगा नहीं और अच्छे से फ्राई होगा। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम सबसे पहले इसमें अपने सूरन को डालेंगे। सूरन को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि अच्छे से लाल ना हो जाए। हमें ना इसमें अभी नमक डालना है, ना मिर्च मसाला, इसे सिंपल फ्राई कर लेना है। तो चलिए हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी सूरन फ्राई हो चुकी है। ये मुंह में एक एक वाइट लेंगे आपको तो बहुत ही बढ़िया स्वाद देता है। अब हम 1 चम्मच की मदद से सूरन को टेढ़ा करते हुए और प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें तेल ज्यादा लगता भी नहीं है और अच्छे से फ्राई हो जाता है। हमने सभी सूरन को निकाल लिया है। अब जो कढ़ाई में तेल बचा है उसी में हम मसाला तैयार करेंगे। तो तेल अपना पूरा है, हम इसमें थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि इतने में अपनी मसाला अच्छे से भून जाएगा। हमने जो ये
लहसुन प्याज सरसों यानी कि मिक्सर जो पीस रखा है उसे हम भूनेंगे। तो तेल में हम धीरे धीरे इसे छोड़ेंगे, ध्यान रहे सावधानी से तेल में डाला जाता है, नहीं तो हाथ से छींटे भी आते हैं। और इसे हम दो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। ये मसाले की खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है, एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे हम कवर कर करके 20 से 25 मिनट तक फ्राई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। मसाला को हम मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक कवर करते हुए भूनेंगे। ध्यान रहे बीच बीच में हमें दो दो मिनट पर चलाते रहना है, फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने मसाला को, हमने सरसों लहसुन प्याज के पेस्ट को 10 से 12 मिनट तक भूनना है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाला। तो हम यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो ये कम तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर है, अगर तीखा हो तो आप 1 ही चम्मच डालिए। हम साथ में ही डालेंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पे 1/8 चम्मच हमने नमक डाला। सारे मसाले को फिर से हम 5 से 6 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। ज्यादा ड्राई हो जाएगा तो 1-1 चम्मच हम पानी डालते हुए इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे हम हल्का सा पानी डाल ले रहे हैं क्योंकि हमारी ग्रेवी एकदम टेस्टी बनानी है। तो ऐसे हम पानी डाल 5-6 मिनट तक और भूनेंगे तो ये बहुत बढ़िया कलर भी आएगा और अपना तेल भी छोड़ देगा। तो हम 5-6 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। हमने मसाला को पानी का छींटा मार मार के 5-6 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा मसाला ड्राई हो गया है, इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे हम 1/2 ग्लास पानी डाल रहे हैं, आप अपने ग्रेवी के अनुसार डालिए। ज्यादा गाढ़ा ग्रेवी है तो 1/2 ग्लास सही है, पतला करना है तो 1 ग्लास कर दीजिए। तो हमारी भी ग्रेवी गाढ़ी है क्योंकि जब हम इसको उबालेंगे तो और गाढ़ा होगा। तो चलिए 1/2 ग्लास हम पानी और डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे टोटल 1 ग्लास पानी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे अपना फ्राई किया हुआ सुरंग। तो धीरे धीरे हम सुरंग डाल देंगे। प्लेट में तेल लगा है तो हम थोड़ा सा पानी डाल के, अब हम सुरंग डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसे उबालेंगे। अब हम इसे कवर करके उबालेंगे क्योंकि सुरंग में अच्छे से मसाला ऑब्जर्व करना है। तो हम एक कवर से कवर करते हुए इसे उबालेंगे। चलिए हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए सब्जी अच्छे से पकी हुई दिख रही है, तेल भी चढ़ने लगा है। एक पीस हम आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं कि सब्जी पकी है कि नहीं। तो ऐसे आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल अपनी सुरंग आलू के जैसे गल चुकी है। तो बस हमें ऐसी ही सब्जी चाहिए सुरंग की। फाइनल हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से ग्रेवी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और साथ में हम डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद हम अच्छे से ग्रेवी में अमचूर और धनिया पत्ता मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर ठंडा होने के बाद डालिएगा। गरम गरम में नींबू का रस डालने से सब्जी कड़वी लगने लगती है। तो फाइनली अपनी सब्जी तैयार हो चुकी है। चलिए हम इसे प्लेटिंग करके दिखाते हैं। गर्मा गर्म सब्जी की प्लेटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी सुरंग की सब्जी बनके तैयार हुई है। ग्रेवी का थिकनेस देखिए, पीसेस जो हमने फ्राई किया था बिल्कुल टूटा नहीं है और अच्छे से पक गया है। इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत।